गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। प्रस्तुतकर्ता में कवि ने शस्त्रों से सुसज्जित एक योद्धा का वर्णन किया है जो दया रहित एक सुंदर स्त्री से धोखा पाता है। शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा वास्तव में स्वयं कवि ही है तथा वह सुंदर स्त्री फैनी ब्राउने है जिससे कवि शादी नहीं कर सका तथा जिसके कारण वह अत्यंत निराश हुआ। इस कविता में कवि ने अपने आप को एक सशस्त्र योद्धा के रूप में पेश किया है तथा जिस स्त्री से उसकी शादी नहीं हो पाई थी फैनी ब्राउने, उसे कवि ने एक परी के रूप में पेश किया है। तो आइए पोयम के माध्यम से इसको समझते हैं। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, एल का मतलब होता है कष्ट या परेशानी, नाइट मतलब सरदार, एट आर्म्स का मतलब होता है शस्त्रों से सुसज्जित। कवि कहता है कि हे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है। एलोन एंड पेलली लाइटरिंग, एलोन मतलब अकेले, पेलली का मतलब हो जाएगा पीला, लाइटरिंग का मतलब हो जाएगा घूमना। कवि कहता है कि तुम एलोन मतलब अकेले क्यों घूम रहे हो और तुम्हारा चेहरा दुख के कारण पीला हो गया है। द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, सेज एक प्रकार की घास को कहते हैं, लेक मतलब झील, झील के किनारे की घास भी मुरझा गई है, विदर्ड मुरझा गई है, एंड नो बर्ड सिंग और कोई पक्षी भी गाना नहीं गा रहा है, अर्थात सर्दी की ऋतु आरंभ हो गई है। फिर दोबारा कवि पूछता है कि वो व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, हे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुम्हारा क्या कष्ट है, तुम्हें क्या परेशानी है। सो हेगार्ड एंड सो वो बिगोन, सो हेगार्ड, हेगार्ड मतलब हो जाएगा चिंतित, एंड सो वो बिगोन मतलब हो जाएगा तुम इतने परेशान हो, इतने चिंतित हो और तुम दुख से पीड़ित क्यों हो। द स्क्वायरल्स ग्रेनरी इज फुल एंड द हार्वेस्ट इज डन, स्क्वायरल मतलब गिलहरी, ग्रेनरी मतलब भंडार, गिलहरी ने अपने भंडार भर लिए हैं और फसल भी कर चुकी है, अर्थात ठंड की वजह से कोई भी बाहर नहीं है। फिर कवि कहता है आई सी ए लिली ऑन दाय ब्रो, मैं देखता हूँ अ लिली मतलब कुमुदनी का पुष्प, ऑन दाय मतलब तुम्हारे, ब्रो मतलब माथे पर, मैं तुम्हारे माथे पर कुमुदनी का पुष्प देखता हूँ, अर्थात तुम्हारा चेहरा कुमुदनी के पुष्प के समान सफेद हो गया है। विथ एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू, एंग्विश मतलब हो जाएगा मानसिक बेचैनी, मॉइस्ट मतलब नम पड़ गया है, भीग गया है, एंड फीवर ड्यू मतलब बुखार की वजह से, अर्थात तुम्हारा मस्तिष्क मानसिक चिंता तथा दुख के कारण से पसीने से भीगा हुआ है। एंड ऑन दाय चिक्स, और तुम्हारे गालों पर अ फेडिंग रोज, मुझे एक मुरझाया हुआ गुलाब का फूल दिखाई दे रहा है, फास्ट विदर टू, जो बहुत तेजी से मुरझा रहा है। तो इसका अर्थ ऐसे हो जाएगा कि तुम्हारे गालों की गुलाबी रंग की सुंदरता मुरझा गई है। आई मेट अ लेडी इन द मिट्स, मिट्स मतलब चारागाह हो जाएगा, मुझे चारागाह में एक स्त्री मिली, फूल ब्यूटीफुल, जो अत्यधिक सुंदर थी, ए फेयरी सच चाइल्ड, ऐसा लगता था कि वह एक परी की पुत्री हो। हर हेयर वॉज लॉन्ग, उसके बाल लंबे थे, हर फुट वॉज लाइट, और उसका पैर हल्का था, एंड हर आईज वर वाइल्ड, और उसकी आंखें मस्त थी, उसकी आंखें अजीब प्रेम से भरी हुई थी। आगे कहता है आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड, मैं उसके सिर के लिए गार्लैंड मतलब फूलों की माला बनाई, एंड ब्रेसलेट्स टू, और उसके लिए फूल के ब्रेसलेट्स मतलब कंगन भी बनाए, एंड फ्रेग्रेंट जोन, तथा सुगंधित फूलों से उसके लिए, जोन का मतलब होता है करधनी जो कमर में पहनते हैं, तो कहा कि मैं उसके लिए एक सुगंधित करधनी भी बनाई,
सी लुक्ड एट मी, वह मुझे देखी एज सी डिड लव, ऐसा लगा कि वह मुझसे बहुत प्रेम करती हो। एंड मेड स्वीट मोन, तथा उसने स्वीट मतलब मधुर, मोन मतलब आहे भरी, और उसने मधुर आहे भरी। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीट, आई सेट मैंने बैठा लिया हर मतलब उसे, ऑन माई पेसिंग मतलब बहुत तेजी से दौड़ने वाले, स्टीट मतलब घोड़े पर, मैंने उसे बहुत तेजी से दौड़ने वाले घोड़े पर बैठा लिया। एंड नथिंग इज सा ऑल डे लॉन्ग, और मैंने पूरे दिन उसके सिवाय कुछ भी नहीं देखा। फार साइड लॉन्ग वुड सी बेंड एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग, क्योंकि साइड लॉन्ग मतलब एक तरफ, वुड सी बेंड मतलब झुक करके, एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग मतलब परियों का गीत, क्योंकि वह एक तरफ झुक करके परियों का गीत गाती रही। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रियली स्वीट, उसने मुझे मधुर तथा स्वादिष्ट कंदमूल, एंड हनी वाइल्ड और प्राकृतिक शहद दी, एंड मन्ना ड्यू और एक प्रकार का दैवीय भोजन दी। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज, और एक विचित्र भाषा में उसने मुझसे, सी सेड उसने मुझसे कहा, आई लव दी ट्रू, मैं तुमको सच्चा प्रेम करती हूँ। सी टुक मी टू हर इल्फिंग ग्राट, सी टुक मी वह मुझे ले गई टू हर अपने, इल्फिंग मतलब रहस्यमय, ग्राट मतलब गुफा, वह मुझे अपने रहस्यमय गुफा में ले गई। एंड देयर सी वेप्ट एंड साइड फूल सोर, एंड देयर सी वेप्ट और वहां वह रोई, एंड साइड और आ भरी, फूल सोर मतलब पूरे, सोर मतलब जोर से, वह वहां रोई और पूरे जोर से आ भरी। एंड देयर आई शट हर वाइल्ड वाइल्ड आईज, और मैंने वहां उसकी मस्त मस्त आंखों को बंद कर दिया, विथ किसेस फोर मतलब चार बार चुम्बन करके, अर्थात मैंने उसे वहां अपना पूर्ण प्रेम दिखाया। एंड देयर सी लल्ड मी अस्लीप, और वहां सी लल्ड उसने लोरी गाकर मी अस्लीप मुझे गहरी निद्रा में सुला दिया, वहां उसने लोरी गाकर मुझे गहरी निद्रा में सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और वहां मैं एक स्वप्न देखा, आह ओ बिटाइड, अरे ओ बिटाइड मतलब हो जाएगा मुसीबत आ पड़ी, द लेटेस्ट ड्रीम आई इवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड, कहता है कभी कि द लेटेस्ट ड्रीम मेरा जो अंतिम स्वप्न था, आई इवर ड्रीम जिसे मैंने देखा ऑन द कोल्ड हिल साइड मतलब ठंडी पहाड़ी पर, यह ठंडी पहाड़ी पर देखा गया मेरा लेटेस्ट ड्रीम मतलब अंतिम स्वप्न था। आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, पेल मतलब हो जाएगा पीले दिखाई देने वाले, मैंने वहां पीले दिखाई देने वाले राजाओं और राजकुमारों को देखा, पेल वॉरियर्स, मैंने वहां पीले पड़े योद्धाओं को भी देखा, दे पेल वर दे ऑल, वे सभी लोग मृतकों के समान, पेल मतलब पीले पड़े हुए थे। द क्राइड मैंने एक आवाज सुनी, ला बेले डेम सेंस मर्सी हैथ दी इन थ्राल, थ्राल का मतलब फंसाना या मुसीबत में डालना, मैंने सुना कि ला बेले डेम सेंस मर्सी एक दयाहीन और सुंदर स्त्री ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है। आई सा देयर स्टार लिप्स इन द ग्लूम, आई सा देयर स्टार, स्टार मतलब सूखे हुए, लिप्स मतलब होट, इन द ग्लूम, ग्लूम मतलब हो जाएगा अंधकार, मैंने अंधकार में उनके सूखे हुए होट देखे, विथ हरीड वार्निंग जो भयानक रूप से चेतावनी दे रहे थे, गैप डिवाइड मतलब पूरी तरह से खुल करके,
अर्थात उनके होंठ पूरी तरह से खुले हुए थे और वह भयंकर चेतावनी दे रहे थे। एंड आई अवोक, और मैं जगा, एंड फाउंड मी हियर, और मैं अपने आप को यहाँ पाया, ऑन द कोल्ड हिल्स साइड, इस ठंडी पहाड़ी के पास। और अंतिम पैसेज में योद्धा कवि से कहता है, एंड दिस इज वाई, और यही कारण है, आई सोजन हियर, मैं यहाँ पे ठहरा हुआ हूँ, एलोन एंड पेलली लाइटरिंग, अकेले और दुख से पीड़ित होकर, लाइटिंग मतलब इधर उधर घूम रहा हूँ। दो द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, यद्यपि झील के किनारे की घास सूख चुकी है, एंड नो बर्ड्स सिंग, और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रहा है।